Hey guys, welcome back to our channel. तो आज की शुरुआत हो रही है बहुत ही अतरंगी तरीके से, क्योंकि हम हैं राजस्थान के एक हवेली में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपको पूरा ट्रेडिशनल स्वागत होता है और उसके बाद आपको पगड़ी भी बनाई जाती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस आते ही आपको पहले हैंड वॉश कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। टमाटर धनिया का शोरबा सर। टमाटर धनिया का शोरबा मुझे बहुत कुछ नहीं आया, बिल्कुल हॉट हॉट आ गया ऐसा ही। टमाटर धनिया का शोरबा ऐसा कुछ है गाइस, पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। लेट्स ट्राई इट। मीठा है, थोड़ा सा मिर्ची वाला है। तो गाइस इसका फ्लेवर पता कैसा है, जैसे आप चाइनीज सूप पीते हो ना, थोड़ा बहुत उसमें जो सार आता है, मीठा जो स्वीटनेस आती है, बिल्कुल उसकी जगह से आपको स्वीटनेस मिलेगी। बूंदी छाछ में। तो गाइस अब हमारी आ गई बूंदी छाछ, इसको बाद में ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि अगर इसको अभी ट्राई कर लिया तो हमारा पेट भर जाएगा। तो हमें बहुत कुछ खाना है, ट्राई करना है, तो इसलिए इसको बाद में। तो गाइस गाजर आ गई है, ककड़ी, प्याज, चावला चाट, मटर कचौरी सर, मटर कचौरी आ गई गाइस अपने पास। तो गाइस हमारे पास आ गई मटर कचौरी, जो कि छोटी छोटी और बहुत ही अच्छी लग रही थी गाइस। अब इसको तोड़ते हैं, पहले आ जाना तो सारा खाना आ जाए फिर। गाइस जैसे ही आप एंट्री करते हो ना यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा कि आप हवेली में बैठे खाना खा रहे हो। पूरे इंटीरियर एक हवेली की तरह डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ चीज़ होती है ना वो है। दही बड़ा। क्या है? दही बड़ा, दही बड़ा। तो गाइस अब आ चुका है मेरे पास दही बड़ा, जो कि मेरा फेवरेट है। बस ये और मेरी नज़रें मिल रही हैं। तो गाइस अब पर्दा उठाते हुए हमारी चटनी, अचार और सब कुछ है यहाँ पर। सब दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा आ गया गाइस हमारे पास। दाल आ गई, दाल कड़ी है सर, कड़ी। ये मावा चूरमा है, मावा चूरमा। क्या ये प्याज के पकौड़े आ गए गाइस अपने पास। अब प्याज के गाइस जैसे टेबल में आते ना, आपका मन करता खा लो फटाफट, लेकिन हमें अभी वीडियो के थंबनेल के लिए रुकना है, मजबूरी है। तो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या होता है ना, आप खाने के सामने ना आप चीज़ें भूल जाते हो कि वो एक्चुअली हो क्या रहा है। ये क्या है? कढ़ाई पनीर सर। कढ़ाई पनीर जी सर। ये आलू टमाटर रस्सा वाला सर। आलू टमाटर रस्सा वाला। ये मारवाड़ी कट्टा सर। मारवाड़ी कट्टा। सरसों का साग सर। सरसों का साग। भाई बाजरे का खीचड़ा। खीचड़ा आ गया। बाजरे का खीचड़ा। बाजरे का खीचड़ा। मुझे मत देखिए। थोड़ा बहुत टेस्ट कीजिए। नहीं 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 वो नहीं खा पाई। बाजरा नहीं खाता। बाजरा की रोटी और मक्का रोटी। भिंडी प्याज का साग। ये मैंने कुछ नया देखा। मोट बाजरे में घी। मोट बाजरे में घी, बस इतना, बस ज़्यादा घी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा डालना, बस 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 अभी ले। हाँ हाँ अजवाइन पूरी सर। अजवाइन पूरी मैम। ये है अजवाइन की पूरी गाइस, गोल गोल अजवाइन की पूरी। पापड़ सर। पापड़ आए गए अपने पास। गाजर का हलवा भी है। ये
काबुली चना ज़्यादा बनानी पड़ेगी राइस के लिए। खाने की और पहले हम खा रहे हैं तवा रोटी। तवा रोटी के साथ पहले हम ट्राई करते हैं कढ़ाई पनीर, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा गाइस, मतलब जो फ्लेवर्स हैं, जो मसाले हैं, जो तड़का मसाला का हुआ है, बहुत ही अच्छा है, वेरी बैलेंस है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कढ़ी। कढ़ी के फ्लेवर्स अच्छे आ रहे हैं, मसाले अच्छे से मिले हुए हैं। भाई अब ये आलू भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ के आपको ऐसा लगे पूरा आप राजस्थान में आके बैठे और वहीं का खाना खा रहे हो, पूरा का पूरा वहीं। अब बाजरे की रोटी के साथ हम खाएंगे साग, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम ट्राई करते हैं खट्टे की सब्ज़ी, जो कि मैंने लास्ट टाइम खाई थी, जो कि बहुत अच्छी लगती थी। देखते हैं अब यहाँ पर कैसे है। फाइनली माई फेवरेट गाजर का हलवा ट्राई करिए, और बस आंखें छुट्टी नहीं, बस जल्दी से खाया। बहुत अच्छा है गाजर का हलवा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो गाजर हैं, मावा है, सब कुछ जो मिल्क है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस लाइफ में मैंने बाजरे का खिचड़ा ट्राई नहीं किया, तो आप यहीं ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसा होता है ये। इसमें घी मेल्ट है, जो कि मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ पहले, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया, तो अब नई चीज़ ट्राई करते हो तो आपका चेहरा मेरे जैसा हो जाता है कि खाएं या ना ही खाएं। अच्छा है, मतलब दाल के साथ मिला हुआ मिठास अच्छी आ रही है। मतलब ओवरऑल अगर ये खाना खा रहे हो उसके साथ आप खिचड़ा खाओगे ना, तो ये पूरा बैलेंस देता है। उसके बाद ये चने पुलाव है, तो हम लेंगे किसके साथ, पनीर के साथ ही। तो ये पनीर और इसका कॉम्बिनेशन मिल गया है। पापड़ ले लो, और यहाँ गए पापड़। उसके बाद हम ट्राई करेंगे ये। इसके लिए तो आपको पता नहीं कहाँ का घूमना पड़ता है गाइस, आप गैस ही कर दोगे। लेकिन ये है दाल बाटी चूरमा, और इसके लिए तो भैया आप, इसमें थोड़ी सी प्याज की कमी है जो कि हम डाल देंगे बाद में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अब हम ट्राई कर रहे हैं मावा का चूरमा, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ट्राई है, इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया मावा वाला चूरमा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से मिले हुए हैं, छोटे छोटे पिस्ता का इलायची का जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल ये खाना देखोगे ना आपको मज़ा आता है। जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ। गाइस बातों ही बातों में हम एक चीज़ भूल चुके हैं, और वो है कि दही बड़े बेचारा बुरा मान जाता हमसे, लूट के चले जाता, लेकिन किसी ने हमें याद दिला दिया कि हमें दही बड़े भी खाने हैं। और अब हम खाएंगे ये। बहुत अच्छा है गाइस, जो बड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट है बस आपने खाया हो घुल गए। वो दही और भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, जिसको घोटा हुआ है ना गाइस आप देख ही सकते हो कितना अच्छा। और ये धनिया है ना, धनिया के ऊपर जो फ्लेवर आ रहे हैं ना इसके साथ, बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक फ्लेवर दे रहा है। तो गाइस फाइनली हमारी आ चुकी है खीर, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आप देख ही सकते हो यहाँ का टेक्सचर है वो कितना अच्छा है, देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे खीर की जगह ऐसा आता जो रसमलाई का टेस्ट नहीं आता, वो टेस्ट आ रहा है इसमें बिल्कुल। आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। सबसे फेवरेट डिश क्या थी आपकी? बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी या और उसके अलावा? उसके अलावा गट्टा कढ़ी। गट्टा कढ़ी, गट्टा कढ़ी, यस। अच्छा, थैंक यू। आप सर अपना? माय किडो लाइक्स अ पूरी अलॉट। ओके, सी, बाय।
गाइस तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या पसंद आया जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हमें तो बहुत मजा आया यहाँ हवेली में आके। अगर आपको भी आना हो तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में सारे एड्रेस प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस जाते जाते हमें मिल जाती है रोप और घोड़ की गाड़ी, जाते वक्त बहुत अच्छी लगती है।